लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा अंदलीब और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। जनपद में अपराधियों को पूरी तरीके से नष्ट नाबूद करने के लिए पुलिस अधीक्षक अजय कुमार की ओर से एक बेहद ही खूबसूरत और नई पहल की शुरुआत की गई है। पुलिस अधीक्षक की ओर से निगरानी दस्ते का गठन किया गया है, जिसको पुलिस अधीक्षक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस निगरानी दस्ते में जनपद के अलग अलग थानों में 2 दर्जन पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। पुलिस अधीक्षक की ओर से गठित किए गए इस दस्ते का काम सिर्फ और सिर्फ संगीन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखना होगा, जेल से छूटे हुए बड़े अपराधियों पर निगरानी रखना होगा। उनकी हर गतिविधि पर इन दस्ते में शामिल पुलिसकर्मियों की कड़ी नजर हो रहेगी। पुलिस अधीक्षक की ओर से इस दस्ते को ऑपरेशन कुंडली का नाम दिया गया है। ऑपरेशन कुंडली में शामिल यह सभी पुलिसकर्मी सभी अपराधियों को पूरी कुंडली बनाएंगे। जेल से छूटे हुए बड़े अपराधियों पर निगरानी रखना होगा। उनकी हर गतिविधि पर इन दस्ते में शामिल पुलिसकर्मी की कड़ी नजर रहेगी। पुलिस अधीक्षक की ओर से इस दस्ते को ऑपरेशन कुंडली का नाम दिया गया है। ऑपरेशन कुंडली में शामिल यह सभी पुलिसकर्मी सभी अपराधियों की पूरी कुंडली बनाएंगे और उस कुंडली के आधार पर उनके लिए बड़ी पुलिस की कार्यवाही की जाएगी। पुलिस अधीक्षक को महज अभी मैनपुरी में एसपी पद का पदभार संभाले 1 माह ही हुआ है और 1 महीने के अंदर पुलिस अधीक्षक ने अपराधियों पर नकेल कसना पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। जो पुख्ता व्यवस्था पहले बनाई गई है कि हेड कांस्टेबल करेंगे, दारोगा करेंगे, इंस्पेक्टर करेंगे, इतनी ज़्यादा व्यस्तताएं हैं, कानून व्यवस्था की भी होती हैं, कई बार मेले उत्सव त्योहारों का होता है, फिर रोज के धरना प्रदर्शन और इस सब की इतनी व्यस्तताएं हैं कि समर्पित रूप से दुर्दांत अपराधियों की हिस्ट्री शीटरों की निगरानी नहीं हो पाती है। और ये काफ़ी शर्मनाक बात हो जाती है कि अगर कोई नॉन क्रिमिनल जिसकी हिस्ट्री शीट खुली है वो अपराध अगर करता है तो हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हर थाना क्षेत्र से निगरानी दस्ता बनाया गया है, जिनके लोगों का वही एकमात्र काम होगा, उनको और कोई दूसरा काम बिना मेरी नॉलेज के नहीं दिया जाएगा।